As you know, dear friends, that economic reforms in India started from 1991, 24 July 1991 को हमारे यहाँ ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई और तब से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं. सो इट वॉज़ अ यू टर्न इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस. तो सबसे पहला जो LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. तो LPG के अंतर्गत क्या चीज़ें आती थी? तो लिबरलाइजेशन मेजर्स के अंतर्गत सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कई चीज़ें उसमें शामिल होती हैं. इसके बाद हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा किया. तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स था वो टैक्स रिफॉर्म्स था. चौथा था एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. हमने एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स की भी बात की इसके अंतर्गत. और इसके बाद सब फिर हम इसके बाद प्रोसीड करते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ. तो सबसे पहले हमने चर्चा किया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कई कंपोनेंट इसके आते हैं. पहला है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. लाइसेंस और कोटाराज पॉपुलरली इसको कहा जाता था. बिना लाइसेंस के कोई भी कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती थी किसी खास सेक्टर में. इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. इसके बाद थर्ड आता है रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर. फोर्थ है फ्रीडम फ्रॉम MRTP एक्ट 1969, जिसको बदल दिया गया 2002 में, नए कानून को लाया गया. फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी. इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात आती है. उसमें पहला है हमारा शिफ्ट इन रोल ऑफ RBI. और इसके बाद सेकेंड हमारा है रिडक्शन इन SLR एंड कैश रिजर्व रेशियो. मतलब स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो को कम किया गया था. थर्ड इसके में तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. और टैक्स रिफॉर्म्स का जहाँ तक सवाल है उसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर उसकी जगह अब GST की बात की गई है. लेटेस्ट यही है GST 2007 में ये ऑपरेटिव हो गया. इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसके अंतर्गत हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की बात करते हैं. और इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं. जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहले जो क्राइसिस हुई थी, सीवियर फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस हुई थी और इसमें डिवेल्यूशन किया गया था करेंसी का 1991 में. इसी तरह यूनियन बजट 1993-94 में एक्सचेंज रेट जो है उसको डिटरमाइंड मार्केट फोर्सेस के आधार पर किया गया था. तो इस तरीके से इन रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था. और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में भी बहुत सारी चीज़ों को एबोलिश किया गया था, बहुत सारी चीज़ों को लाया गया था, टैरिफ बैरियर्स को कम किया गया था. तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इस लिबरलाइजेशन के प्रोसेस में आती हैं, जिसका हम डिटेल्स भी इसको आपके साथ शेयर करेंगे. थैंक यू.